ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के शीर्ष नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती दी। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की संपत्ति की जांच कराने की चुनौती दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के पाई पाई का हिसाब पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा, बीजेपी ठाकरे परिवार और दूसरे शिवसेना नेताओं पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा, इस तरह के दावों से पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। शिवसेना नेता ने कहा, केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को कर्नाटक की जेल में सजा काटने पहुंची शशिकला का पहला दिन बेहद ही परेशानी भरा रहा। वो रात भर सो नहीं पाई और करवटें बदलती रहीं। अन्ना द्रमुक की कर्नाटक इकाई के सचिव वी पुगा झेंदी ने गुरुवार को कहा, चिनम्मा ठीक से सो नहीं पाई और रात भर परेशान रही। उन्हें महिला बैरक की एक साधारण सी सेल में रखा गया है। जेल अधिकारियों से गद्दा देने का आग्रह किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस कारण उन्हें पूरी रात जमीन पर ही लेट कर काटनी पड़ी। निचली अदालत द्वारा घर का खाना सहित कुछ सहूलियतें देने से इनकार करने के बाद शशिकला ने बुधवार को रात का खाना खाने से मना कर दिया। उन्हें अन्य कैदियों की तरह खाने में दो रोटी, एक कटोरी दाल, 200 ग्राम चावल और 150 ग्राम सांभर दिया गया। नाम न छापने की शर्त पर जेल के एक सूत्र ने बताया कि जब शशिकला की रिश्तेदार इला वारिस ने खराब सेहत का हवाला देकर उनसे खाना खाने का आग्रह किया तो उन्होंने सांभर चावल खाया। राष्ट्रीय राजधानी के विधायकों के वेतन में 400% और भत्तों में भारी वृद्धि करने संबंधी दिल्ली सरकार के विधेयक को दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वापस लौटा दिया। इसके अलावा मंत्रालय ने कुछ और स्पष्टीकरण भी मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दिल्ली के विधायकों के वेतन भत्तों में भारी बढ़ोतरी पर यह कहते हुए ऐतराज जताया है कि इस कदम से खजाने पर पड़ने वाला बोझ दिल्ली सरकार के राजस्व के अनुरूप नहीं है। उक्त विधेयक में विधायकों का वेतन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने और कुल मासिक वेतन भत्ते 88,000 रुपए से बढ़ाकर 2.1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर इस विधेयक को मंजूरी मिल गई तो दिल्ली के विधायक देश में सबसे ज्यादा वेतन भत्ते पाने वाले विधायक हो जाएंगे। पिछले साल भी गृह मंत्रालय ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा कि विधेयक में पेश किए गए आंकड़े की गणना किस आधार पर की गई है। हालांकि इसके बाद दिल्ली सरकार ने यह विधेयक फिर विचार और मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया था। आतंकी सरगना हाफिज सईद के मामले में आखिर भारत ने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी है। वह भारत में कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है और उसे जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। बता दें कि सैयद ने पाकिस्तान के आंतरिक सुरक्षा मंत्री चौधरी निसार अली खान को पत्र लिखकर उक्त अनुरोध किया है। उसका दावा है कि ना तो वह सुरक्षा के लिए खतरा है और ना ही उसका संगठन आतंकी गतिविधियों में शरीक रहा है। थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत का आतंकियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ दिया। अरे दीपक भाई, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? यार बाबूजी की दवाई के लिए बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। एटीएम है? हाँ है। तो बस फिर से दुकान पे जाओ, कार्ड स्वाइप करो और दवाई ले आओ। प्लास्टिक मनी को बोलो हाय और पुराने नोटों को बोलो बाय बाय। समय बड़ा अनमोल है, इसे बचाएं। प्लास्टिक मनी अपनाकर भारत को डिजिटल भारत बनाने में एक कदम और बढ़ाएं। समाचार टाइम 24 द्वारा जनहित में जारी।